से। इस वक्त हम हैं सर के साथ। लेकिन सर आप इसे वो सब बताएगी, ट्रस्ट मी। बरेली तो ये है गुड्डन, गुड्डन रो रही है। पाशा जो हैप्पी बर्थडे कर दो। मिनी डांस करना आप। मॉर्निंग गाइस, सो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह हो चुकी है और सामने आए हुए हैं पाशा जो कि आए थे अब्बू की खैरियत को, और यह है आर्या। सुबह सुबह उठ के मेरे साथ एकदम रेडी बैठा है, कर रहा है ब्रेकफास्ट। वो है गुड्डन जिसने पहन रखी है चूड़ियाँ। गुड्डन ये तो बेबो है। बेबो किसकी चूड़ियाँ हैं? बेबो बोलने के मूड में नहीं है, यह खौफ ज़्यादा है कहीं डांट नहीं पड़ जाए इसकी, ऐसा नहीं है लेकिन। और यह है गुड्डन, गुड्डन रो रही है, इसकी मम्मी इसकी चोटी बना रही हैं। तो और क्योंकि ये रो इसलिए रही है क्योंकि इसको केक खाना है। ये पेस्ट्रीज की रखी है, स्टोर करके रख ली थी इसने फ्रिज के अंदर, खा रही है। रोते नहीं यार, गंदी बात है, आपको बाल बाल बना के देंगे ना मम्मा। ओ आर्या बहुत अच्छा, आर्या नहीं रोता, आर्या तुरंत बाल कटवा लेता है अपने, है ना जी। अच्छा कंघे से काट लेंगे आप? आर्या कह रहा है मैं खुद काट लूंगा अपने बाल। और ये गुड्डन देखे रो रही है, अब फाइनली गुड्डन चुप चुकी है। अब खा रही है पेस्ट्री। टेस्टी गुड्डन। अरे वाह, सो गाइस आज का सीन ये है कि आज मैं शाम में जाऊंगा बरेली, और बरेली जब बरेली जाऊंगा तो आज हम मिलने वाले हैं गोविंद नामदेव सर से, जिनको आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। वांटेड में उन्होंने काम किया है और भी कई सारी मूवीज में उन्होंने काम किया है। तो आप उनको जब सर्च करेंगे गूगल पर गोविंद नामदेव नाम से, तो आपको उनके सारी मूवीज की डिटेल्स आ जाएगी, किस किस मूवीज में उन्होंने काम किया है। सो आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर किया करें। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर उस पर चाहते हैं टॉपिक पे व्लॉग बनवाना, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आज मैंने सुबह आपको बताया था, आज का जो प्लान है मिलना है गोविंद नामदेव सर से। सो मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से और उनसे करेंगे मुलाकात। तो आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो सीधे करता हूँ वहीं पहुँच कर मैं आपको अपडेट, और रात को करेंगे घर वापसी, मिलेंगे गुड्डन और आर्यन से। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने मेरे नामदेव सर आए हुए थे बरेली, तो मैं मिलना आया हूँ उनसे स्कूल में। जैसे सर वहाँ उमंग होता है महाराष्ट्र में, वेरी गुड। कोशिश कर रहे थे कि आपको, अखिलेंद्र सर को और पीयूष मिश्रा सर को बुला पाए, लेकिन आप लोग बिजी थे तो घूमने में इतना व्यस्तता रहती है, पूरी बहुत जरूरी है, इसको हल्के में नहीं लेना है। हम लोग जो भी हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है, जिस तरीके से आप लोगों सब कुछ सीखा, तो हम उसे बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर ही लेकर के जा रहे हैं। कोई उस तरीके से नहीं कि हाँ शौकिया कर रहे हैं, शौकिया रंगमंच कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चों को रोकेंगे, आप जाइए। हम लोगों से तो ये हो जाता है, जैसे हम लोग ट्रेनिंग करने भी जाते हैं, तो लोग हम लोग से पूछते हैं कि आपका ज्यादा एंथुसियास्टिक वो सेशन था सर। हम लोग मैं इनको बताती हूँ कि एक एक चीज़ इतनी पर्टिकुलर थी उन 15 दिनों में, बहुत ही सर बहुत मज़ा आया था वाकई में, और मतलब डिस्कशंस ओवर डिस्कशंस चलते रहते हैं हम लोगों के, कैसे क्या क्या। तो फाइनली हम गोविंद नामदेव सर से मिले हैं, वो है सामने, और अब यहाँ से कर रहे हैं प्रस्थान, करते हैं अपडेट आगे का। जैसा कि आप देख रहे हैं अब गोविंद नामदेव सर यहाँ से कर रहे हैं प्रस्थान और पहुँचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट। सो सर यहाँ से जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रस्थान यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो फाइनली गोविंद नामदेव सर के साथ हमारा जो डिस्कशन था काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी वक्त दिया उन्होंने,
जैसे यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, जो उनसे मिलने के लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े थे यहाँ पर, निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको सुबह अपडेट किया था कि आज हमारी मुलाकात होने वाली है गोविंद नामदेव सर से, सो आज हम उनसे मिले। काफ़ी हम्बल हैं, बहुत अच्छे से बातचीत हुई हमारी, काफ़ी सारी डिस्कशन हुए उनके साथ, और अभी मैं रिटर्न आ रहा हूँ उनसे मिलकर। सो मुझे घर पहुँचने में यहाँ से लगेगा अभी लगभग आधा घंटा, सो करता हूँ घर पहुँच कर अपडेट, बने रहे मेरे साथ। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लगा हुआ है जाम, यहाँ पर एक फाटक है और उस पर जाम लगा हुआ है, और ये जाम लगभग एक घंटा हो गया है कि बिल्कुल नहीं खुला है। मैं पहुँचूंगा यहाँ से घर, अगर ये जाम जल्दी खुल जाता है तो मुझे यहाँ से घर पहुँचने में मात्र 45 से 50 मिनट लगने हैं, लेकिन एक घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। 7:52 पर मैं यहाँ आया था और अभी 8:50 हो रहे हैं, काफ़ी लंबा जाम हो गया। जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, हो चुके हैं इस वक्त 9:09, लेकिन जाम अभी तक नहीं खुला है। भैया फाइनली निकले हैं जाम से और अभी मैं पहुंच चुका हूं बिलासपुर, यह है बिलासपुर चौराहा, और पूरा बिलासपुर बंद हो चुका है, कुछ मेडिकल वगैरह ही खुले हुए हैं। बिलासपुर काफ़ी जल्दी बंद हो जाता है जहाँ तक मैं देखता हूँ, मार्केट बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है कि, हालांकि तहसील है लेकिन फिर भी काफ़ी जल्दी और मतलब समय से पहले ही बंद कर देते हैं लोग, समझ नहीं आता इतना जल्दी क्यों। और डलवा लेते हैं गाड़ी में कुछ डीजल, डीजल समाप्ति की ओर है बिल्कुल, तो फ्यूल डलवा लिया है, टैंक फुल नहीं कराया, डीजल डलवाया 41 लीटर्स, क्योंकि कल निकलना है हरिद्वार के लिए, इसलिए सोचा अभी से टैंक वगैरह फुल करा लिया जाए। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा मैं जल्दी, उधर चलेंगे हरिद्वार, बनाते हैं शानदार व्लॉग। सो आप सभी प्यार देते रहें, व्लॉग्स देखते रहें, और आज का जो व्लॉग बहुत ख़ास था, ख़ास इसलिए था क्योंकि आज हम लोग मिले थे, जो हमारा रंग प्रशिक्षु ग्रुप है, हम सभी लोग मिले थे आज गोविंद नामदेव सर से, जैसे कि मैंने सुबह अपडेट किया था आपको। और इस वक्त हूँ मैं बिलासपुर रोड पर, यहाँ से घर पहुँचने में हाईएस्ट लगेंगे 15 मिनट। जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए कभी रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। क्या सोचता हूँ मैं, क्या चाहता हूँ, है मुश्किल तुझे वो बताना, मैंने सुना है कि मुश्किल बड़ा है दबी चाहतों को छुपाना, अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है, देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है, कितनी भोली है तू कितनी नादान है, दिल की बातों से अनजान है, अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा परेशान। मैं अभी पहुंच चुका हूं घर, चलते हैं ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं गुड्डन और आर्यन आ चुके हैं नीचे। हेलो गाइस कर दो गुड्डन। हेलो गाइस। कैसे हैं आप? आर्यन हाय कर दो। गुड नाइट। क्यों करते हो यार, हाय तो कर दो। और ये अपनी दादी अम्मा का ले आए हैं अमरूद उठाकर, पूरा अमरूद एक फरत चुके हैं। हाय करते हैं, हाय। गुड्डन भी तो हाजिरी यार इसकी बात पर है ना। गुड्डन आज पता नहीं कौन से पल्ले निकाल कर पहने हैं, कपड़ों को बोलती है पल्ले।
इस वक्त पहुंच चुका हूं रूम में और सामने खड़ी है मिन्नी और ये है गुड्डन, ये कर रही है शरारत, और ये है आर्या जो कि अमरूद खा रहा है बेहतरीन तरीके से। हैं, ये बहुत शरारती हो गया है। मिन्नी बहुत प्यारी बच्ची है हमारी, सबसे प्यारी बच्ची तो मिन्नी है। मिन्नी हाय तो कर दो यार। मिन्नी ये मिन्नी हाय कर रही है। मिन्नी बहुत अच्छी लड़की है, बेबो तो हाय नहीं कर पाती, मिन्नी हमारी तुरंत करती है। हाय कर दो बेटो। हाँ, तेल लगाया ना इसके बालों में मिन्नी। अरे वाह, मिन्नी डांस करके दिखा रही है। अरे वाह, मिन्नी डांस कर दो। अरे वाह, मिन्नी बहुत प्यारी बच्ची है। मिन्नी डांस कर दो बाबा। मिन्नी डांस करना आप। अरे वाह, मिन्नी तो डांस के नाम से एकदम खुश हो जाती है। और ये है आर्यन, अमरूद खाने में व्यस्त है। ये देखो इनका डांस देखिए आप, पूरी फुर्ती के साथ हो रहा है इनका डांस। और मिन्नी बहुत हैप्पी एंड खुशनुमा लड़की है। मिन्नी चला रही है गाड़ी। गुड्डन पहुंच गई है मिन्नी के पास। और ये मिन्नी की गाड़ी, अच्छा गाड़ी टूट गई आपकी है? हैं? अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं गुड्डन की गाड़ी टूट चुकी है। मिन्नी क्या कर रहे हो? ओ हो, आर्या गिरा नीचे बेड पे। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं पर क्लोज। सो जैसे कि आज सुबह घर से निकला, फिर उसके बाद मिले हम गोविंद नामदेव सर से, उसके बाद फिर वापस घर और मार्केट विजिट वगैरह किया। गया था गदरपुर, सकैनिया, पदमपुर और फिर गया था ऑफिस। सो आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आर्य ने गुड नाइट कर दिया है। गुड नाइट। तो गुड्डन ने भी गुड नाइट कर दिया है। बाय आर्या, बाय। आर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू कर दो बेटे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, गुड नाइट बाद में करना, पहले हैप्पी बर्थडे टू यू कर दो। हैप्पी बर्थडे टू टू। आर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। आर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे टू यू कर दो। बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू कर दो। बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। कर दे मेरे बच्चे। बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग कर दो। बर्थडे टू टू। वाह, हैप्पी बर्थडे टू टू। दोबारा कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। टू टू। क्लैपिंग तो कर दो। दो नाच से कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा।